नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत अहम जानकारी है। क्या आपके फलों के पौधे घर पे गमलों में या जमीन में सालों से लगे हुए हैं, उसमें फल नहीं आता, आप परेशान रहते हैं, फूल आया फल नहीं बना, या फूल ही नहीं आया या फल आया तो दो तीन फल लग गए। तो दोस्तों, अगर आपने फल के पौधे ऐसे लगाए हैं और यही शिकायत आपकी है, नहीं आते हैं फल, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें वो चार पांच चीज़ें ऐसी बताऊंगा आपको जो कि आप अपने फलों के पौधे के साथ अगर अभी भी कर दें तो भर भर के फल आपके पौधों में आएगा और ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। जैसे देखिए कि छोटे से गमले में अमरूद लगा हुआ है और हमने 2500 अमरूद तोड़ लिया, आपने वीडियोज़ में देखा होगा। कुछ चिड़िया भी जो है ना इसका खा रही है, क्योंकि उसका भी अधिकार होता है, क्योंकि नेचर का हिस्सा है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पौधा, वो सबसे हम लेते हैं पहले आड़ू। आड़ू यानी पीच। पीच जो है बहुत ही बढ़िया टेस्टी फल होता है। ये देखिए, कुछ दिन पहले तक ये पौधा ऐसा था कि सूखा हुआ है, बिल्कुल सूख गया। काफ़ी लोगों की मेरे पास क्वेरीज भी आई हैं कि जी मेरे आड़ू के पत्ते लाल हो गए या पत्ते झड़ गए। तो दोस्तों, पत्ते झड़ना इस मौसम में जनवरी में फरवरी में आम बात होती है। पेड़ों में लाल पत्ते हो जाते हैं अमरूद में भी और झड़ जाता है, तभी नया पत्ता आता है। लेकिन आड़ू के पौधे के साथ क्या है कि इसके पत्ते झड़ते हैं तो पहले पत्ते नहीं आएंगे। दोस्तों ये देखिए, ये देखें कि किस तरह से एक एक टहनी के अंदर, आप ये देखिए कि एक दो तीन चार पाँच, छोटी सी टहनी के अंदर पाँच या छः फल जो आ रहा है। इसके अंदर भी देखेंगे तीन फल आ रहा है, इसके अंदर तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसके अंदर सात फ्रूट आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, कहीं दस आ रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी आप ये दिख रहे हैं सबसे पहले आड़ू में, और देखिए कुछ तो फूल कन्वर्ट भी फ्लावर में हो गया है फ्रूटिंग के लिए। तो ये सबसे पहले फूल से भरेगा, इसके बाद ये देखिए ये जो कोपले फूट रही हैं दोस्तों, ये देखिए ये पत्ते में कन्वर्ट होगा और फ्रूटिंग से ये पौधा भर जाएगा। लेकिन अक्सर दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है कि न्यूट्रिशन चाहिए, खासकर जब आपके इस तरह के गमले में या ड्रम में पौधा लगा हो। तो ये देखिए कि चार साल का पौधा है, पांचवी साल हमें फल देगा, और इस पे हमारी वीडियोस देखेंगे, हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे देखेंगे तो इसका फलों से लदा हुआ पेड़ भी आपको दिखाई देगा। यही ड्रम है, यही पौधा है, सब कुछ यही है। तो इतना फ्रूट आने के लिए क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। खासकर जब गमलों में लगा होता है तो उसका एरिया बॉन्ड हो जाता है, रूट दूर तक नहीं जा पाती है, तो हमें कंसंट्रेटेड न्यूट्रिशन इसको डालना पड़ता है। छः महीने में एक बार, एक जुलाई में डालिए उससे ग्रोथ प्रमोट होगी, और एक जनवरी में डालिए उससे जो ये फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग जो है इंक्रीज होगी, और फ्रूट होल्डिंग कैपेसिटी प्लांट की बढ़ेगी अगर सारा माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिशन इसको मिल जाता है। तो ये कब करना चाहिए, जनवरी में करना चाहिए, अभी फरवरी है। अगर नहीं किया है आपने तो ये पांच चीज़ें कर लें। ये पांच चीज़ें कौन सी है, सबसे पहला आपको इसके सूखी ब्रांचेज जो हैं उसकी ट्रिमिंग कर देनी है। दोस्तों सब ये देखिए, ये ट्रिमिंग मैंने की हुई है, ये देखेंगे ये सूखी ब्रांचेज जो इनकी ट्रिमिंग हमने, ये देखिए सूखी ब्रांच की ट्रिमिंग हमने कर दी है। ये आप देख रहे होंगे कट, ये देखिए ये निशान दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला काम ये करें कि इसकी ट्रिमिंग कर दें, जितनी भी सूखी ब्रांच है उसकी ट्रिमिंग कर दें। एक नंबर दो, इसकी जड़ों को अगर जमीन में लगे हैं तो भी, और ड्रम में या गमले में है तब भी, इनकी जड़ों को खोद लेना है, और खोद करके इसकी मिट्टी तीन चार इंच छः इंच जितना भी जहाँ तक रूट नहीं आता उसको निकाल के बाहर कर देना है। और कम से कम अगर ज़मीन में लगा है तो एक हफ्ता, मतलब कि आठ दिन लगभग धूप में छोड़ दें, उनकी जड़ों को खुला छोड़ दें, तो वो क्या होगा कि वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया फंगस था वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका गमले में ड्रम में लगा है तो तीन से चार दिन पाँच दिन तब के पौधा सूखे नहीं, उतना देख लेना आपने, वो मिट्टी निकाल के जड़ों को धूप लगाना है, मतलब कि रूट को स्टरलाइज करना है ताकि उसके बैक्टीरिया फंगस खत्म हो जाए और हीट अप हो जाए रूट। अब नंबर तीन क्या करना है, नंबर तीन में आपने करना है कि इसके अंदर रूट फिलिंग करनी है। जो जगह मिट्टी निकाली थी जो सूख जाए तो उसके अंदर रूट फिलिंग करनी है। रूट फिलिंग क्या करेंगे दोस्तों, रूट फिलिंग करने का सबसे जो अच्छा तरीका है, ये आड़ू का पौधा कोई भी फल का पौधा हो या कोई छोटे से छोटा पौधा हो, कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक की बड़ी ज़रूरत रहती है उसमें। लेकिन हम यही नहीं डालते, हम सोचते हैं गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट में सब चीज़ें मिल जाएगी, ऐसा आजकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे जानवर हैं उनको बंधा बंधाया कूटे पे खाना मिलता है दो तरह का, तो उसमें सारी चीज़ें नहीं आएंगी। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम देना होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा कैल्शियम और फॉस्फोरस जिंक का हमें
उसके लिए हम स्टोन पाउडर देते हैं। हम जो बोन मील है उसको बिल्कुल नहीं कहते कि डालिए, खराब करता है वो, तो स्टोन पाउडर डालिए। अब बात आती है कितना डालें। अगर आपका पौधा एक साल का है तो लगभग आधा किलो डालिए अगर ड्रम में है तो, और जमीन में है तो एक से डेढ़ किलो डालेंगे। इसी तरह से पौधे का जितना उम्र है, जितना साइज है, जैसे कि डॉक्टर BMI देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स इसी तरह से प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से आपको ये जो खाद है वो देना है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें डालना है, तो ये पौधा मेरा 4 साल का है तो लगभग 2 किलो का ड्रम में है, तो 2 किलो हम इसमें स्टोन पाउडर डालते हैं, लीप कंपोस्ट डालते हैं जिसके अंदर सारे माइक्रो मल्टी न्यूट्रिशन आ जाता है प्लांट्स के लिए, और थोड़ा आयरन चाहिए होता है, इसके अंदर आयरन रिच होता है, तो आयरन डस्ट हम इसमें डालते हैं, और इसके साथ एंटी फंगल के लिए नीम खली। तो ये 4 चीज़ों का जो मिश्रण है वो बना करके इसके अंदर आप भर दें और मिट्टी से ढक दें। ये 3 चीज़ें आपकी हो गई दोस्तों। अब चौथी चीज क्या करनी है, 3 चीज़ें करके ढक देंगे और पानी छोड़ देंगे, लेकिन पानी ऐसा रेगुलर नहीं डालना है कि इसके नीचे से पानी सीप आउट हो जाए। सीप आउट होने का मतलब है कि जो न्यूट्रिशन हमने डाला सारा बह के नीचे निकल जाएगा, वो प्लांट को नहीं मिलेगा। इसका एक बार पानी डालने के बाद, कम से कम ड्रम में भी लगा है तो 8 से 10 दिन सर्दी में पानी नहीं डालिए, फिर क्या देखेंगे कि इस तरह से फुटाव आएगा, खाद जब गर्म करेगा अंदर से न्यूट्रिशन बन के, और ये इस तरह से फूलों से भर जाएगा आपका और फलों से। अब 3 चीज़ें हो गई, चौथी चीज़ क्या करनी है, जब पत्ते नए आ रहे होते हैं तो स्टेम एफिड्स की दिक्कत भी आती है, तो ये देखिए जो फूल नहीं खिले हैं इस टाइम आपने एक स्प्रे कर देना है, या तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड नीम धतूरे और उसका बना हुआ है 1-2 स्प्रे उसका कर सकते हैं, ताकि जब फल बने तो बढ़िया बने, कीड़े से उसका नुकसान ना हो, वो झड़े नहीं। और जब ये फूल खिलने लग जाए दोस्तों, इस तरह से पूरा खिल जाए, तो उस टाइम कोई स्प्रे आपने नहीं करना है, उस टाइम पानी कंट्रोल कर देना है ताकि ये फूल जो है आपका फलों में कन्वर्ट हो सके। और एक फल ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसके आसपास हम क्या करेंगे, कुछ फूलों के गमले रख देंगे, कि जो पॉलिनेटर्स हैं, हनी बी है, तितली है, और भी कई चीज़ें हैं जो इनका पॉलिनेशन करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखिए ये फूल देख रहे हैं, ये सारा जो है मेल पार्ट है, और जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये मोटा वाला, ये फीमेल पार्ट है, तो इनका पोलन ग्रेन्स इसके साथ मैच कराते हैं तब जाके फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अगर इसके आसपास आप फूलों के गमले रख देंगे तो आप देखेंगे अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। तो ये चौथी चीज़ है कि फूलों के गमले आसपास में आपने रखना है। अब पांचवी चीज़ क्या करनी है दोस्तों, पांचवी चीज़ देखिए, हम बार बार इसके रूट को खोद नहीं सकते, क्यों नहीं खोद सकते वो ध्यान से देखिए। हमने इसको जनवरी में ये फर्टिलाइजर दे दिया था, अब आप ये देखिए कि इसके अल्टीमेट रूट्स जो हैं ये निकल रहे हैं, जो ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन देंगे। अगर हम इसको बार बार खोदेंगे तो ये देखिए जैसे मैंने छेड़ा और ये रूट टूट गया, तो ये दिक्कत आएगी और प्लांट सफ़र करने लग जाएगा। इतने में ही काफ़ी रूट हमारी टूट गई हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि देखिए कि कैसे रूट्स इसकी चलती हैं, और प्लांट को न्यूट्रिशन देने वाली यही रूट्स होती हैं जो काम करती हैं। तो इस तरह से आप इसमें काम करें, और इसको दोबारा नहीं खोदना है आपने जब तक कि जुलाई ना आ जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बार बार न्यूट्रिशन नहीं दे सकते और फ्रूट अच्छा लेना है, तो इसको हमने ढक दिया, आप देखिए। और जब आपका 1 महीने का टाइम बीत जाए तो ये देखिए, इसके न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए ये हमारा बैक्टीरिया में बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर है, जो कि अलग अलग तरह के पत्तों का एक्सट्रैक्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और जल्दी देता है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिजॉल्व है, डिजॉल्व होने का टाइम जो है इसका नहीं लगता है, डालते हैं और 3rd-4th दिन इसका रिजल्ट प्लांट को मिल जाता है खाने को, तो बहुत बढ़िया फ्रूटिंग आएगी। तो ये 5 चीज़ें अपने प्लांट में करिए और अपने घर में इतना आपका फ्रूट आ जाएगा, जैसे देखिए कि ड्रम में लगा हुआ 200 लीटर के हाफ ड्रम में, और ये पूरा फलों से भर जाएगा दोस्तों, और आपको जो है आड़ू एक भी मार्केट से परचेज नहीं करना पड़ेगा। अगर 3-4 लोगों का परिवार है तो एक पौधा ये सफिशेंट है। इसका जो भी फर्टिलाइजर है वो हम डालते हैं, लेकिन उसका डालने का क्या तरीका है कि ये देखिए, एक तो हमने इतनी चीज़ें बताई, अगर आपके पास 1-2 पौधा है तो वो 10-10 किलो 5-5 किलो लेने की बजाय ये हमने क्या कर दिया, इसके लिए कंप्लीट फ्रूट मिक्स बना दिया। कोई भी प्लांट फ्रूट का हो उसमें इसका आप डाल सकते हैं, एज के हिसाब से 2 किलो 4 किलो 5 किलो या 1 किलो, जैसा जैसा जिस हिसाब का पौधा है, पौधा छोटा है तो कम डालिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा डालिए। ये फ्रूट मिक्स प्लांट का लेके और अपने पौधों में रूट फिलिंग कर दे, चाहे वो नींबू हो, आम हो, चीकू हो, संतरा हो, कीनू हो, अमरूद हो, अनार हो, कोई भी पौधा है, उसके लिए हमने एक बैलेंस डाइट इसकी बना दी है, जो आप
ले सकते हैं और सीधा अपने पौधों में डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा हैं तो अलग अलग परचेज करें, नहीं तो आप ये वाला एक ही लेकर के आप डाल सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको एक ही सीजन में पता लग जाएगा कि कितना फ्रूट आपका रुक गया है दोस्तों। तो ये आपकी जानकारी थी और उम्मीद है आप करेंगे और अपने घर में अपना ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।